विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के बाद चलाए जा रहे राहत व बहाली कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में वर्षा से लगभग 173 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान भरमौर क्षेत्र में हुआ है और प्रशासन ने चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को रिकॉर्ड समय में यातायात के लिए बहाल किया है और जिससे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में नुकसान हुआ है और चंबा ज़िला भी उससे अछूता नहीं रहा है। चंबा ज़िला के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ और भरमौर में इस आपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पीने के पानी की योजनाओं का हो, या हमारे शिक्षण संस्थानों का है, स्वास्थ्य संस्थानों का है, वो मतलब हर विभाग को भारी नुकसान हुआ है। तो ये बरसात में प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है ये सड़कें, पीने के पानी की योजनाएं, बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे उस दृष्टि से आज की मीटिंग हमने यहाँ पर की थी। और बरसात के दिनों के अंदर, जो अभी 4-5 दिनों के अंदर जो नुकसान ज़िले में हुआ है विभिन्न विभागों में और बिजली पानी और इन सारे विभागों में, उसको जो है यहाँ पर हमने जो है वैल्यूएट किया है।